अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट ट्वेंटी थ्री ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जहां से नीट में फोर मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा ये जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये क्लास ट्वेल्व का बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर का है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है है ना? उस चैप्टर का और यहाँ से अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने करे हैं तो आपको दो तीन साल ये ऐसे हैं में आ चुके हैं मतलब नीट में तीन चार तीन बार ये पीवाई क्यों बन चुका है और हमेशा लगभग सेम ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दॉेस ऑफ बायोडावर्सिटी लॉस व्हाट आर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडावर्सिटी लॉस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं सो so, हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज कॉजेज ऑफ बायोडावर्सिटी लॉसेज इसको द दिल क्वाटलेट भी बोला जाता है मीन ये चार है ठीक है फोर मेजर कॉजेज है ना तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एविल क्वाटलेट ठीक है सबसे पहला जो है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये सबको याद रखना है एक बार नीट में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कितने कॉज होते हैं या कौन कौन से होते हैं ऑड वन आउट पता करो और एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन चार है चार में से कौन सा ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है तो उसका आंसर होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन

बोलते हैं जब भी फ्रेगमेंटेशन होता है या हैबिटेट का लॉस होता है क्या चीज होगी जब वहां पे इंडिविजुअल मिल रहे हैं उनमें से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म गया तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है ठीक है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है और भी है चार पर उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही होता है ठीक है नेक्स्ट देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में एक एनसीआर में लाइन दे रखी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसी टाइम में फोर्टीन परसेंट ऑफ अर्थ लैंड कवर करते थे बट आजकल क्या है वो कितना बच गया सिर्फ जस्ट सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट क्यों क्योंकि वहां पर अपना कल्टिवेशन होने लग गई है सोयाबीन की नीचे वाली लाइन में लिखा है एमेजॉन रेन फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लान बिकॉज मतलब पूरे जो आपकी बोलो ना मैं अर्थ पे जो ऑक्सीजन है उसका अराउंड

ठीक है तो अगर आप एरिया ऐसे कट करते रहेंगे ना तो उसकी वजह से क्या हो रहा है वहां पे मिलने वाले जितने भी वेजिटेशन है वो खत्म होंगे उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म खत्म होंगे समझ रहे हो तो ऐसे पूरी चेन डिस्टर्ब होगी एंड इट विल लीड टू स्पीशीज डायवर्सिटी इट विल लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस बेसिकली ठीक है नेक्स्ट है एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन जिन भी एनिमल्स को एक लार्ज टेरिटरी चाहिए होती है लार्ज स्पेस चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए क्योंकि तो वो घूमते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ग्रेजिंग फॉर फॉरेजिंग हैबिट्स के लिए ठीक है तो उनको वो स्पेस नहीं मिलेगी तो उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होगी एंड इट विल लीड टू देयर एक्सटिंक्शन ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड जो हमारा है फैक्टर वो क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन था सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन मींस व्हेन नीड्स टर्न इनटू ग्रीड जब आपकी नीड्स किस कन्वर्ट हो जाए नीड्स टर्न टू ग्रीड लालच में ठीक है नीड्स होना एक अलग चीज है ग्रीड होना एक अलग चीज है आप अपने नीड्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज को यूज करोगे तो वो ओवर एक्सप्लोयटेशन नहीं होता बट अगर आप अपनी ग्रीड और लालच की उसके अगर आप उसको बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लोएट कर रहे हो तो दैट विल बी योर ओवर एक्सप्लॉयटेशन वेन नीड्स ट्रांस टू ग्रीड देर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑलवेज ठीक है इन द लास्ट फाइव मिनट ईयर ये सारी एनसीआरटी की लाइन है बेटा ये आपको पढ़नी ही है Sea cow, जो ऑर्गेनिज्म है एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ठीक है तो लास्ट 500 हंड्रेड ईयर्स में बता रहे ये सब ऑर्गेनिज्म पहले हुआ करते थे बट अभी आपको अर्थ पे नहीं मिलते क्योंकि हमने इनको इतना ओवर एक्सप्लॉयट किया कि एक्सटिंक्ट ही हो गए तो हमें हर चीज को एक लिमिट में करना चाहिए बहुत ज्यादा हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए बेटा ठीक है मरीन फिश पॉपुलेशन आर ओवर हार्वेस्टेड आजकल क्या हो रहा है अर्थ पे या वर्ल्ड में मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा एक्वेटिक जो स्पीशीज है या बहुत ज्यादा ना हम बोल सकते हैं क्या फूड किस तरह का मरीन फूड बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं क्रैब्स ठीक है और आप बोल सकते हैं फिशेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करी जा रही है तो हमें ना एक लिमिट में उनको करना चाहिए अदरवाइज वो क्या हो जाएगी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी मरीन फिश पॉपुलेशन आर ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं हम उनको एंडेजरिंग कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज जिसकी वजह से जो मार्केट में कमर्शियल इंपॉर्टेंट है जैसे सैलमन बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा जब आप एक लिमिट में करोगे तो वो ठीक है बट ओवर एक्सप्लोयटेशन से वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ठीक है थर्ड जो फैक्टर होता है हमारे पास दैट इज एलियन स्पीशी इन्वेजन एलियन स्पीशी इन्वेजन का मतलब होता है एक किसी भी एनवायरमेंट में बाहर से कोई स्पीशी आकर इन्वेड कर गई और वो वहां मिलने वाले जो एंडमिक स्पीशीज हैं उनको दिक्कत कर रही है उनके साथ

नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रख सकते हो सेकंड कैरेट ग्रास जिसको पार्थिनियम भी बोलते हैं जिससे पॉलिन एलर्जी होती है है ना सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा ट्वेल्थ में पॉलन एलर्जी एंड लेंटाना लेंटाना इज ऑल्सो एन वीड विच इज देर मतलब जो भी फॉरेस्ट होते हैं या माउंटेन्स के साइड में आपको मिल जाएंगे एंड वॉटर हेयरसिंथ ये तीन प्लांट्स ऐसे हैं इकोर्निया आर वीड्स ये वीड्स है दे आर नॉट द नेटिव प्लांट ऑफ आर कंट्री दे केम फ्रॉम सम अदर कंट्री और यहाँ पर आकर इन्होंने किया है दे ग्रो एनॉर्मसली दे प्रोपगेट वेजिटेबली जैसे मैं वॉटर हेसिंथ का बताऊं इसको हम टेरर ऑफ बंगॉल बोलते हैं ये फर्स्ट चैप्टर में है टेरर ऑफ बंगल बोला जाता है बिकॉज इन्होंने इस तरह से पूरे आ, जैसे पार्थिनियम ने तो पोलन एलर्जी करी इसलिए इसको बोल रहे हैं लेंटाना जो है पूरे फॉरेस्ट ट्रैक्स और हिल ट्रैक्स को कवर कर रखा है इसने और बाकी स्पीशीज को ये ग्रो नहीं होने देते वाटर हे को टेरर ऑफ बंगल बोलते हैं बिकॉज इन्होंने पूरे पॉन्ड्स को कवर कर लिया था तो इन्होंने आके ये वीड बन गए और हमारे जो यहाँ के प्लांट्स हैं एंडमिक उनको ग्रो होने नहीं दिया ठीक है सिमिलर एग्जाम्पल है अफ्रीकन कैट फिश क्लेरियस ग्रेपाइनस ये एक क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर इसको याद रखना दिस इज इम्पोर्टेंट पी वाई क्यू आर पोस्टिंग थ्रेड टू इंडिजिनस कैट फिशेस ठीक है तो हमारी जो कैट फिशेज है जो हमारी इंडिजिनस है हमारे रिवर्स के अंदर मिलती है उनको ये अब क्या कर रही है उनके लिए थ्रेट बनी हुई है और इसको बाहर से इंट्रोड्यूस किया था और ये इन इंट्रोड्यूस हुई थी मतलब इट इज नॉट लीगल इन मतलब विदाउट एनी परमिशन ये इंट्रोड्यूस कर दी थी किसी ने बाय चांस जिसकी वजह से हमारी जो इंडिजिनस स्पीशीज है फिश रिवर्स की वो सब अभी थ्रेट में है ठीक है तो एलियन स्पीशी इन्वेजन होने से भी बायोडाइवर्सिटी का स्पीशी डाइवर्सिटी का लॉस होता है अंडरस्टूड फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज को एक्सटिंक्शन को एक्सटिंक्शन का मतलब है साथ में ही इवॉल्व करना एक तरह से और अगर आप इवॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप साथ में ही इलिमिनेट हो गए को एक्सटेंशन हमेशा ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप्स में देखा जाता है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप आर दोस इन विच इफ टू दो पार्टनर्स होते हैं इफ वन पार्टनर इज नॉट अवेलेबल द अदर वन इज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल तो जैसे जीने मरने वाली कंडीशन होती है ना कि जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में वो वाला कि ऑब्लिगेटरी है एक पार्टनर है तो दूसरा है एक भी गया उनमें से तो दूसरा अपने आप ही अर्थ से एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है तो इट सीन कोई होस्ट स्पीशी चली गई तो जो पैरासाइट उस पर एक्ट करते थे वो पैरासाइट खुद के खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ठीक है तो को एक्सटिंक्शन भी तो एक रीजन है किस चीज का बायोडाइवर्सिटी लॉस का को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्मल जैसे आपको पता है फिग को पॉलीनेट करते फिग वैस्ट तो अगर फिग वैस्ट की स्पीशी अवेलेबल नहीं है तो फिग भी अवेलेबल नहीं है अर्थ पे ठीक है नेक्स्ट आप बोल सकते हो जैसे कि युक्का प्लांट युक्का प्लांट जो होता है मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दे रही हूं युक्का प्लांट को पॉलिनेट करता है प्रोनुबा मोथ तो अगर प्रोनुबा मोथ नहीं है तो युका प्लांट भी नहीं रहेगा और यूका प्लांट नहीं है तो प्रोनोबा मॉथ भी नहीं रहेगा बिकॉज दिस मॉथ ले इट्स एग इन ओवरी ऑफ यूका प्लांट सो इफ यूका प्लांट इज नॉट देयर द प्रोनोबा मॉथ इज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल और ये दोनों साथ में ही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं सो वेन एवर देयर इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप बोथ दी पार्टनर्स विल एलिमिनेट टूगेदर एंड दे विल को विल इवॉल्व टूगेदर

ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा छोटे से वीडियो है ये पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से एनसीआरटी के सारे पॉइंट यहाँ पे कवर करे गए हैं फिर भी कोई डाउट अगर आपको लगता है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर